गाना शुरू करो। वो तीखा था ना, कोई मत खाओ खाना, बहुत मिर्ची है इसमें, हमें नहीं खाना ये खाना, अच्छा नहीं है ये खाना, हम नहीं खाएंगे इसे। अगर आज के दिन ये बिना खाना खाए यहाँ से जाएंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। बता रहे हैं हमारी रक्षा करना, बहुत मिर्ची है, हमें नहीं खाना ये खाना, अच्छा नहीं है ये खाना, ऐसा नहीं कहते, खाने को कभी ना नहीं कहते। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता, अगर पसंद ना आए तो मत खाना, ठीक है? बहुत अच्छा है, खाओ खाओ सब खाओ। जी तो रखो बेटा। अरे आ गई मेरी बिटिया। जी तो रखो बेटा। नाना जी आपको पता है कल क्या है? क्या? कल हमारा जन्मदिन है। अरे वाह, फिर कल तो आप दोनों बहुत बड़े हो जाओगे। रुद्र बेटा और नवेली, चलो बेटा तुम दोनों जाकर अपने कमरे में खेलो, नाना जी को आराम करने दो, चलो उठो। एक मिनट बच्चों, क्या कर रहे हैं नाना जी? नाना जी ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी रानी बिटिया इतनी सुंदर है कि किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कल बच्चों का छठा जन्मदिन है। और भूल गई गंगा ने तुझे क्या चुनौती दी थी? बिल्कुल भी नहीं भूली, बल्कि इन 6 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब मैंने उस बात को याद नहीं किया होगा कि इन दोनों में से जिसमें भी गंगा का अंश होगा वो अंश हमारे परिवार के प्यार से मिट जाएगा। वांग कर ऐसा ही हो बिटिया, पर अभी अभी ये कलश जो मैंने बच्चों के इर्द गिर्द घुमाया, अगर कल सुबह इसका पानी काला हो जाता है, ये समझ लेना कि बच्चे में अभी भी कंगना की नफरत का अंश है। रुद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो सॉरी बोलो। अरे भाभी, रुद्र ये क्या कर रही है आप? क्यों डांट रही है मेरे बच्चे को? निकी ये बहुत शरारती हो गया है, अभी अभी इसने नवेली की चोटी खींची। नहीं मैंने नहीं खींची। तुझे पता है बेटा मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों कर रही है आप ऐसा भाभी? बच्चों के नाम पर झूठ क्यों बोल रही है? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि श्री ने मुझे बेटा दिया और आप दोनों को बेटी दी। आप दोनों को तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि आज मेरी वजह से कोई बच्चा तो आपके जीवन में, नहीं तो बच्चे के प्यार के लिए जिंदगी भर तरस जाते आप लोग। चुप हो जाओ निके। हाँ आप मुझसे बहस नहीं करना चाहते, आप इन्हें समझाइए ना कुछ। दादी आई प्रॉमिस मैं कभी रुद्र भाई से झगड़ा नहीं करूंगी। ये आवाज है कैसी? बच्चों के छठे जन्मदिन पर मिलने का वादा था हमारा, कल मैं तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी।